64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन अवार्ड से आदिल हुसैन जी को नवाजा गया है, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया जी। क्या कहेंगे 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और सर इतना बड़ा नाम होता है सर, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमेशा खुशी होती है जब आपके काम को देश के सबसे ऊंची एस्टेब्लिशमेंट जब आप अप्रिशिएट करता है, तो आपको लगता है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो। और ख़ास करके दो फिल्मों के लिए मुझे मेंशन किया है, तो तब लगता है कि सही फिल्म हम चुन रहे हैं करने के लिए, और उसको चुनने के लिए साहस भी चाहिए, क्योंकि ये फिल्में स्टार के साथ नहीं है, ये फिल्में बड़े डायरेक्टर के साथ नहीं है, फिल्म में पैसा भी नहीं है, तो उसके बावजूद जब आप काम करते हैं और उसको सराहा जाता है, तब आपको लगता है कि हाँ, मतलब एक कला के खातिर जब आप काम करते हैं, ना कि सिर्फ पैसों के खातिर, पैसे भी चाहिए ज़िंदगी में, तो इसलिए मैं बैलेंस करता हूँ कि रोबो 2 भी करता हूँ, फोर्स 2 भी करता हूँ, और ये भी करता हूँ, ताकि घर के कुछ दिल के लिए और कुछ बिल के लिए, ऐसे जो कहते हैं। आपने फिल्म चुनने की बात की, तो चुनने का जब नाम आता है तो उसके बाद अवार्ड मिले, तो उस वक्त क्या सोचा था, स्क्रिप्ट क्या थी, क्या कहीं दिमाग में था कि हाँ फिल्म यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सिर्फ लगता है कि जो जिस किस्म के किरदार में मुझे अपने अंदर की जो ख्वाहिश है अलग अलग किरदार निभाने का, अगर वो किसी कारण अगर आपको क्या कहते हैं उसको पूर्ति होता है ना उस ख्वाहिश, तब लगता है कि आपने कुछ किया है। उसके बाद प्रोड्यूसर साहब ने, इन लोगों ने कहाँ भेजा है, कहीं भेजा है, जैसे अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में भी मैं नॉमिनेटेड हूँ, अभी 7 तारीख को अवार्ड है उसका, तो उसके लिए मैं 5 को न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो अभी मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा फिर भी नॉमिनेटेड तो हो गया। तो अवार्ड ऐसा चीज़ है कि आपको खाना खाने को मिला है, उसके बावजूद उसके बाद रसमलाई भी है, तो आप तो खुश है खाना खाने के बाद, लेकिन कोई बोलता है कि रसमलाई भी है भैया, अच्छा तो अवार्ड के लिए तो काम नहीं करता, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ काम के लिए, उसके बाद अवार्ड मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। मुक्ति भवन की अगर बात करें तो बनारस में शूटिंग हुई है, क्या मैसेज देने की कोशिश की है? ये एक जैसे बाप और बेटे के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ तनाव होता है, सबसे पूछ लीजिए जितने सारे बेटे हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक के बीच में है, लेकिन कुछ ना कुछ तनाव होता है, और उस तनाव होने के वजह से हम जो जितनी करीबी के साथ संबंध हम निभा सकते हैं नहीं निभाते हैं। तो 15 दिन मरने से पहले दोनों को पता चलता है कि हमें उसको ना पकड़ के नहीं रखना चाहिए था, उनको छोड़ देना चाहिए था, या बोल बात करनी चाहिए थी उसके बारे में। तो ये है कि आप चंद दिनों की तो ज़िंदगी है, क्या अपने अंदर पकड़ के रखोगे यार, माफ़ कर दो या जाने दो, या उसको लेके मत जियो और मत मरो उसके लिए। 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो हो गया है सर, अब आगे क्या? बस अब अभी तो मैं अगले पूरा ये साल जो है मैं फिल्म नहीं कर रहा, मैं थिएटर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थिएटर में ही हम अपने एक्टिंग को जो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं इसको, मांझ दे सकते हैं। फिल्मों में एक्टिंग करना, अब 12 घंटे सेट पे हो, सिर्फ 5 मिनट एक्टिंग करते हैं आप, तो हमारे ट्रेनिंग जो होता है वेटर की ट्रेनिंग होता है, जो वेट करने की होती है ना, तो एक्टर के ट्रेनिंग के लिए आपको काम करना चाहिए, तो फिल्मों में नहीं होता है वो सिर्फ थिएटर में ही हो सकता है, जिस किसी भी एक्टिंग मुझे पसंद है या मैं जिस पर विश्वास करता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अशोक के साथ दिलीप हृदय यादव, न्यूज़ 8।